आज ହେଉଛି 10 मार्च 2024। आज दिन में घटी कहानी को मन पकड़ आमर ही स्वतंत्र प्रयास तेज चलतु अड़ेबा आज इतिहास पृष्ठ को देखा आज इतिहास। महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनतार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। गांधी प्रेरणा पूरा देश एकत्रित हो इंग्रेज विरुद्ध लड़े करने को आगे आसी। गांधीजी प्रत्येक मुहूर्त अहिंसा और सत्यर पालन करुते समस्त पथर चलते। जातिर पिता आज दिन में 10 मार्च 1922 राजद्रोह मामलें गिरफ होते। माधवराव सिंधिया कांग्रेस जड़े प्रसिद्ध नेता थे। माधवराव सिंधिया राजनैतिक जीवन 1971 आरंभ हो 2001 पर्यंत रही। माधवराव सिंधिया जन्म आज दिन 10 मार्च 1945 ग्वालियर सिंधिया परिवार रे होइतिला। माधवराव सिंधिया ग्वालियर राज परिवार रो राजमाता विजय राजे सिंधिया एवं जीवाजी राव सिंधिया पुत्र थिले। सावित्रीबाई फुले भारत प्रथम महिला शिक्षक सामाजिक संस्कारक तथा कवि थिले। महाराष्ट्र स्वामी ज्योतिबा फुले से भारत में महिला अधिकार उन्नति आणवर एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। भारत नारीवादी आंदोलन अग्रणी बोली विवेचना करा जाए। 3 मार्च 1831 जन्म होता यह विशेष महिला मृत्यु 10 मार्च 1897 होता। आलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन निर्माता 10 मार्च 1876 मसीह प्रथम थर पर टेलीफोन टेस्टिंग बोस्टन में करा। प्रथम कल्ले ग्राहम बेल अन्य एक रूम्रे सहयोगी थोमास वाटसन को कल करते कही मिस्टर वाटसन एठाकू आसतु मुं को देखा चाहूँगी एवं कॉल परे वाटसन ग्राहम बेल को पाखरे पहुंची थिले। उद्दुपी रामचंद्र राव जणे भारतीय महाकाश विज्ञानी तथा भारतीय महाकाश अनुसंधान पूर्वतन अध्यक्ष थिले। उद्दुपी रामचंद्र राव को जन्म 10 मार्च 1932 कर्णाटक रे होइतिला। अमेरिकार टेक्सास विश्वविद्यालय प्रोफेसर रूपे निज क्यारियर आरंभ करबा परे भारत फेरी आसीथिले। भारत में भारतीय महाकाश अनुसंधान अध्यक्ष रहा समय आर्यभट्ट समेत 8टी उपग्रह लॉन्च करा जायतिला। उद्दुपी रामचंद्र राव प्रथम भारतीय थिले जहां का ना 2013 सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम रे स्थान पाई। उद्दुपी रामचंद्र राव को पद्मभूषण एवं पद्मविभूषण सम्मानित करा जायछि। द्वितीय विश्वयुद्ध समय अमेरिका वायुसेना द्वारा टोकियो बोमा विस्फोरण होता। ऑपरेशन मीटिंग हाउस नाम से जनाशुना यह आक्रमण अमेरिकार सैनिक मान द्वारा 10 मार्च 1945 मानव इतिहास यह एक विनाशकारी विस्फोरण थी जो 1 लक्ष अधिक लोकंर मृत्यु होता। आज इतिहास वर्तमान पर देश विदेश इतिहास विषय जानवाप आम चैनल सह जोड़ी हो रुंतु। ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिशा।